और आज सबसे बढ़िया खुशखबरी की बात पता है क्या है? ये देखो, अच्छा लगा है इस पे? ये पत्थर देख रहा है, बड़ी तेल लगेगा, सर पे रख दे मेरा गॉगल वापसी। ये देख, मजा आ रहा है बैठ के? हैं, मजा आ रहा है? कह रहा मेरे को भैया चाहिए बालकनी वाली सीट फ्रंट। और ये मैडम आज पहली बार मिली मेरी मम्मी से, नहीं दूसरी बार पहली बार कब मिली थी? जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल का बिल उन्होंने पे किया है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगा यार। देखो दिखाएंगे, जो बंदा किसी जगह पे जाके होटल में बिल के चक्कर में झगड़ा करके झगड़ा करके आया वो बंदा आपके हॉस्पिटल का बिल चुकाएगा? और भाई वो जो दर्द मैंने सहा है, और इमोशनली फिजिकली मेंटली वो दर्द जो मैंने सहा है, वो किसी को ना सहना पड़े, मतलब दुश्मन को भी नहीं चाहूंगा सहना पड़े। क्या खा रहा है? आलू खा रहा है। बकरी बन गया कोको? हाँ बकरी है, चिकन आलू कोको छोड़ो, वो भी कच्चा आलू छोड़ो। नहीं छोड़ेगा भाई, नहीं खा के रहूंगा मैं। आधी तोड़ ली, आधी है। हाँ कच्चा आलू इसको बहुत पसंद है। चलो पहले से खाता ये। हाँ चलो, हो गया, बहुत हो गया, उसको काटने दो सब्जी। चलो चलो चलो, फिर से आएगा। चलो उधर चलो, हो गया और नहीं खाना, जबकि इसी का खाना है ये। पहले खिला दो, बनाने से पहले खिला दो, ये सारा खाना इसी का ही है। कद्दू है, आलू है, गाजर है, इसको बनाएंगे, मैश करेंगे, फिर इसको खिलाएंगे, लेकिन इसको कच्चा ही खाना है। भूखे को देख कैसे दिख रहा है, खाना। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। और आज का सीन क्या है ना, आज हमारे फादर साहब का जन्मदिन है, पापा का जन्मदिन है, और उनके पास ना एक्चुअली टाइम नहीं होता, तो हमने सोचा था कि रात को जाएंगे केक काटेंगे, लेकिन रात को वो शॉप से आते बहुत थके होते हैं, इसलिए वो प्लान कैंसिल कर दिया। सुबह 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक वो शॉप पर होते हैं, 2 से 5, 5:30 तक उनका सोने का टाइम होता है, फिर शॉप पे चले जाते हैं, रात को 11 बजे वापसी आते हैं। तो मैंने मम्मी को फ़ोन करा, मम्मी कैसे मैनेज करें? मम्मी ने बोला तो दोपहर को आ, जो उनका 3 घंटे सोने का टाइम है ना, उसमें से आधा पौना घंटा उनको उठा देंगे, सोने नहीं देंगे, बर्थडे वर्थडे तो मनाए, अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम जा रहे हैं अपने घर, मैं, समीरन, आमिर, साहिबा, कोको भी जाएगा शायद, सबके सब जा रहे हैं, रस्ते से केक खरीदेंगे, मेरी बहन का ऑफिस रस्ते में है, उसको भी लेते हुए जाएंगे, सारे के सारे घर जाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे और खुशियां मनाएंगे। ये छोटी छोटी खुशियां होती है ना, इसको मनाते रहना चाहिए, कोई भी छोटी सी खुशी हो, बड़ी खुशी हो, मनाते रहना चाहिए, लाइफ ना अच्छे से चलती रहती है। होता क्या ना, सबकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, मेरी भी है, आपकी भी होगी, और बहुत सारी होगी, लेकिन सबको अपनी प्रॉब्लम बड़ी लगती है, लेकिन जब दूसरे की प्रॉब्लम सुनोगे ना, तो आपको लगेगा अरे यार मेरी प्रॉब्लम से ज़्यादा बड़ी इसकी प्रॉब्लम है। इसलिए छोटी छोटी खुशियाँ मनाते रहो, ये प्रॉब्लम अपने आप गायब हो जाएंगी, प्रॉब्लम छोटी लगने लग जाएगी, खुशियाँ बड़ी लगने लग जाएगी। बस मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाश्ता नहीं कर रहा आज मैं, नाश्ता घर जाके करूँगा, क्योंकि मम्मी का ऑलरेडी फ़ोन आ चुका है, 3:30-4 बजे तक पहुँच जाइए, 3 यही बज चुके हैं, 4 बजे तक घर पहुँच जाएंगे बहन को लेते हुए। कोको आज तूने बाहर नहीं आना था मेरे साथ, हैं क्या हुआ? ये नींद में है, ये इसको ये पता ना मैं तैयार हो गया हूँ, जूते वूते पहन लिए हैं, तो इसको डर है मेरे को लेके जाएंगे नहीं लेके जाएंगे, इसको लेके मेरे को नहीं पता, इसको लेके जा रहे हैं नहीं लेके जा रहे साथ, अब हमें साधना से पूछना पड़ता है इसको लेके जाए ना लेकर जाए, साधना लेके जा रहे नहीं लेके जा रहे, कह रही कोको से पूछो, कोको कोको चले चले कोको, कह रहा लेके चलो। ये देखो, जब इन भाई साहब को हमारे साथ जाना होता है ना, तो ये ऐसे करता है कि नहीं जाने दूंगा, जाऊंगा तो मैं भी साथ में जाऊंगा। वे क्या हो रहा है ये, हैं क्या हो रहा है? ओ मेरी नई पेंट फाड़ देगा, जन्मदिन तो मनाने थे पापा का, उसके बाद फाड़ लियो, समझ नहीं आई तेरे को? चल पीछे चलो चलो, ये देखो ले ले ले, तू पहन ले, मैं उतार दे तो तू पहन ले। और आज सबसे बढ़िया खुशखबरी की बात पता है क्या है? ये देखो, अब ये क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये आमिर बताएगा। आमिर भाई ये क्या है? रोज ताने देते थे किस चीज के? लेकिन पापा की शॉल की। क्या है ये? पापा की शॉल है, पश्मीना मफलर है, निकालो ना, बात तो लेकिन शॉल की हुई थी, तुम मफलर ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, इससे काम चला लेंगे। ओ भाई साहब, ओरिजिनल पश्मीना है ये, चेक कर लें इसको एक बार, क्या क्या ये ओरिजिनल पश्मीना है कि नहीं है? दे नहीं है, नहीं है, अंगूठी भी लेके भाई सोने के साथ में, तुम्हारे अंगूठी का काम कर दिया तभी काम ना।
आराम आराम से कर रहा हूँ, तेज खींचने से क्या वही होता है, तेज खींचना होता है, आराम से नहीं खींचना होता कि कटे ना ये। अच्छा अच्छा, मुझे क्या पता भाई, मैं कोई शॉल बेचता हूँ वही बिजनेस है हमारा पहले। अच्छा ये देखो भाई, ये देखो ये अंगूठी है ना, इसके अंदर ये दिख रही है आपको, ये देखो इस अंगूठी में से ना मैं अपनी वाली शर्ट भी निकाल दूंगा, ये पश्मीना निकाल के दिखाऊं मुझे नहीं पता भाई क्या रहा, तो पश्मीना। ओ तू क्या कर रहा हो, ओ, 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 ये पहना हुआ सी देखो देखो ये आया कैसे, मैं तो ये सोच रहा हूँ ये आया कैसे, ये यहाँ से गया नहीं, ना कश्मीर गया, ना लखनऊ गया, ना जम्मू गया, कहीं पर भी नहीं गया। तो लखनऊ, अरे मतलब कहीं घर से निकला ही नहीं, ये कैसे आ गया? हमारे कॉन्टैक्ट्स है इधर, कॉन्टैक्ट्स। और देने कब आया, हम भी तो घर पे ही होते, सारा दिन तो मेरे साथ होता है, कब तूने ये पकड़ा? हाँ, एक जगह पकड़ लिया। ये पता क्या है, ये इसके बैग में पड़ा होगा? नहीं यार, नहीं था पड़ा हुआ, फिर तो मैंने पहले ही दिया होता, जो ताने सुनने थे उससे पहले नहीं। यार वो दया को बुला, दया को फोन कर, थोड़ी था। हाँ नहीं नहीं, तू दया को फोन कर, ताने मार मार के दिला दिया। सीआईडी वाले दया को फोन कर, वो ही आके खोजेगा चक्कर क्या है, कहाँ से आया ये। चलो भाई चलो, कोको जा रहा नहीं जा रहा? कोको का बर्तन भी ले लो, आज तो कोको भी जा रहा है घूमी घूमी। ओए गाड़ी की चाबी ले ली मैंने, चलो चलो भाई आमिर, लेट्स गो। तो भाई मैंने तो मना कर दिया इसको, मैं अपनी गोदी में नहीं बिठाऊंगा, ये देख रहे हो मेरी वाइट पेंट एकदम मिट्टी मिट्टी कर देगा। तो किसको मना कर दिया आपने? मैंने किसको मना कर दिया बात तो ये भी सही, मैंने किसको मना कर दिया, मैंने कोको को मना कर दिया, तू नहीं बैठेगा मेरी गोदी बोरी, मानेगा? तो साहब आ गई हुई है भाई चादर लेने के लिए, चादर या कोई तौलिया जिसको मैं टांगों पे बिठा लूंगा, इसने इसने बैठना तो है ही है, मानना तो है नहीं। चल आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा, सुसु वहाँ कर लियो मोती नगर में, चलो चलो ये चल उस तरफ, चलो उस तरफ उस तरफ उस तरफ उस तरफ, वहां पर करो जो भी गंदा करना है ना। सनग्लासेस नहीं लेकर आई? ओ मेरे भी महंगे वाले सनग्लासेस ऊपर ही रह गए हैं। कुछ लगा है इस पे? ये पत्थर देख रहा है, बड़ी तेल लगा है, सर पे रख दे मेरा गॉगल वापसी। ये देख लो भाई, इसको देख लो, बिल्कुल भी शर्म नहीं है। ओ भाई ओ, ये बाइक चलाने के लिए लिया मैंने, दूसरों की चीज पे मुंह मारने का आदत है ना। हां पता नहीं तेरा क्या ले लिया, मैंने मुंह मार दिया, पश्मीना दिया है कुछ तो लेगा। नहीं लग रहा ना? अच्छा हाँ चल रख दे रख दे रख दे, फिर मैं पत्थर फेंक दूंगा। पापा का बर्थडे है ना, पूरे स्टेशन से जाऊंगा, नई शर्ट निकाल के पहन ली, केक लिया ही नहीं है, मम्मी का फोन किया था, मम्मी केक वेक लाने की जरूरत नहीं है, तुम आ जाओ चुपचाप। चलो चलो ठीक है मम्मी, मैं आता हूँ। क्या हो गया भाई, क्यों शोर मचा रहे हैं? रात से गायब होके बातें कर रहा है बड़ी बड़ी भाई, अभी अपने को सबसे पहले जाना पेट्रोल डलवाने के लिए, और को चलो इधर अपनी मम्मी की गोद में जाओ, चलो जाओ जाओ वहाँ कपड़े गंदे करो, मैंने तो भाई तौलिया लगा लिया। ऐसा है, तौलिया इधर दो। मैं नहीं दे रहा तौलिया, अरे तुम्हारा सूट थोड़ी गंदा होगा, मेरा वाइट है ना भाई, उसने बैठना मेरे पास ही है। अच्छा भैया 500 का डाल दो, हमें तो चलानी नहीं होती ना गाड़ी, तो इतना ही डलवाएंगे जितना चाहिए। ऐसा है, मैं 500 का नहीं डलवाती इस गाड़ी में, 3-4 हजार तक तो डलवाती भैया, मेरी मर्जी। मोती नगर से अगर 500 में भैया 500 का डाल दो। अरे सही में डाल रखा 500 का, अरे मजाक कर रहा हूँ, 5000 नहीं नहीं गलती से बोल दिया भैया सॉरी। ये खुशी देखो चेहरे पे खुशी ये तो अभी अभी बहन का फोन आया, पहले वो कहती केक मैं ले आऊंगी, तो अभी मेरे को फोन किया कि रस्ते से केक लेता, क्योंकि वो भी लेट हो जाएगी, क्योंकि मैं उसको पिक करूंगा घर जाऊंगा, इतने पापा का शॉप खोलने का टाइम हो जाएगा तो लेट हो जाएंगे, तो मैं यहीं से केक लेता हुआ जाता हूँ, यहीं से पास में बेकरी है, लेकिन केक अपने को ना क्रीम वाला नहीं चाहिए, मम्मी क्रीम वाला नहीं खाती, मम्मी खाती है वो लाता ना बेकरी वाला, वो क्या कहते हैं उस केक को, बेकरी केक ही बोलते हैं, मतलब समझ गए ना, वो फ्रूट केक होता है, उसमें क्रीम व्रीम नहीं होती, मम्मी कहती क्रीम व्रीम वाले ना अच्छे नहीं लगते, वो वाला खाया जाता है, चाय के साथ खा लो वैसे खा लो, क्योंकि केक काट तो लेते लेकिन वो पूरा तो खाया नहीं जाता, वो बेक्ड होते शायद, कुछ तो होता है इसके, नहीं ये तो चॉकलेट हो गया ना, चॉकलेट तो वैसे ही नहीं खाते, इसमें चेरी इतनी भर दी है, क्या किया जाए, पहले बैठ के चेरी हटाएंगे, पापा उठने वाले हैं, चेरी हटाओ बैठ के। गिरेगा थोड़ी जो तुमने ऐसा पकड़ा हुआ, वो अपना बैलेंस खुद बनाना जानता हूँ, देखो ना उसने अपनी टांग वाट खाई हुई है नीचे, मजा आ रहा है बैठ के, है मजा आ रहा है, कह रहा मेरे को भैया चाहिए बालकनी वाली सीट, फ्रंट वाली सीधा दिखना चाहिए, जाम तो मेरे को नहीं दिख रहा, ठीक है ना मिले तो बढ़िया है।
डाउन। यहाँ लगा है तगड़ा जाम। और ये देखो इन भाई सबको प्यास लग गई है, इनको पीना पानी। जल्दी आओ नीचे। हाँ गुड। ये कोको बार साथ जाता तो हम इसके साथ ही लगे रहते हैं, इसको पानी पीना है, खाना खाना है, पोटी आ गई, ये हो गया, वो हो गया, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो वो रहा सामने पटेल नगर का मेट्रो स्टेशन, यहीं पर वैन मिलेगी, उसको पिक करते हुए जाएंगे। और इन महाराज को बाहर जाना, गाड़ी अच्छी वाली ठंडी हुई थी, इतनी गर्मी है बाहर, सारी गाड़ी गर्म कर दी है। मज़ा आ रहा है गर्म हवा खाने में। 40 डिग्री है, 40 डिग्री। ये देखो भाई टेम्परेचर 40 डिग्री। अरे आ ही नहीं रहा, मानते नहीं, चले आ जा अंदर। ओए चमगादड़ आ जा, नहीं आएगा, नहीं आएगा ये, आ जा। कोको अंदर आओ। ओ चलो चाटा पड़ेगा इससे पहले बगलो अंदर। गंदा केक लेके आए हो आप? क्या कह रही हो गंदा केक? अरे केक ही नहीं था, डांट थोड़ी खांती कर जाके, जो मिला बोले आए। ओ बच्चे को देखो गॉगल लगा के कितना बढ़िया लग रहा है। हेलो हेलो, सब्सक्राइबर ही है शायद। हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय YouTube चैनल। देर इसको क्यों ले आए हैं? ये तो आएगा ना पापा का, पापा का जन्मदिन ये ना मनाए। सोफे पे नहीं करेगा आज, नहीं करने दूंगा इसको। तो आ गई है ये। पूछ देखो इसकी पूछ। अरे पूछ तो प्रिंसिपल। इसको बैच से मिल रहा है। आमिर भाई पकड़ो उसको, आमिर पकड़ ले। आ जा आ जा कोको, आ जा कोको, आ जा इधर, आ जा। मेरी बहन और मम्मी दोनों ही डरते हैं। क्रिसमस वाला केक है ये? अच्छा नहीं है केक का है। ये केक ये भाई ऐसे जो मिला भी यही लेकर आओ ना। मुझे कहता मैं ले लेती। अरे कोई नहीं चल जाएगा यार, मना लेंगे बर्थडे है। तो बहन की फरमाइश थी पार्टी पॉपर नहीं लेकर आए, वो भी ले लिए। ये टिकटा किसने ली है? ढोकला ले लिया, खांडवी पैटी, पनीर कुलचा, ट्रम सट्रम जो जो मिला ना हमने सब ले लिया। लेट हो रहे हैं ऑलरेडी, पापा को शॉप खोलने जाना, लेकिन फिर भी जितना जल्दी हो जाए उतना बढ़िया। ये गाय ने अपनी पार्किंग करी हुई, हम कहाँ लगाएं गाड़ी? नहीं लगेगी, वहाँ लग जाएगी। रोड के बीच में छोड़ देता हूँ, एक पूछ लेता हूँ ना दीदी से। दीदी जा रहे हो क्या? अगर आप जा रहे हो तो मैं लगा लूँ ये गाड़ी। दीदी तुम तो क्या लग रहा है, किसको बोल रहा हूँ? कोको कोको ये देखो यार, इधर 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 झगड़ा ना हो जाए। नहीं नहीं पकड़ लो। अरे नहीं नहीं, वो दांत मार देती कभी कभी ना बेटा ना, हो गया। नहीं नहीं मार दिया तो क्या करोगी? ओ यार हो पीस हो जाओ यार, जा बेटा जा, मजाक कर रहे थे। अच्छा आंटी ठीक हो? जन्मदिन मुबारक हो बहुत बहुत आपको जी। हैप्पी बर्थडे। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। आमिर मेन सरप्राइज का है, उठ खड़ा हो, दे अपने हाथों से जो करोड़ों साल से पेंडिंग चल रहा था। कर... हो सकता। अरे हुआ है, करोड़ों साल से जो पेंडिंग चल रहा था। ओहो, ये कहां से आ गया? आपके जन्मदिन पे स्पेशल। ये देखो ये भी देख रहा है, ये भी हैरान हो रहा है, ये कैसे हो गया? यहीं से नहीं नहीं ये नहीं पता, ये लेकर ये आया, ये नहीं पता कहाँ से लाया है ये। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। अच्छा है ना, अभी अभी अंगूठी में से निकाल के भी दिखाएगा। अंगूठी लाओ, ये लाओ, आधा इधर हो जाए आधा उधर रह जाए। फेल हो गया ये, फेल हो गया, निकल गया भाई साहब, है ना बढ़िया। चलो भाई ढोकला खाई। ये पता किस लिए बैठा हुआ है? फटाफट से केक काट के खत्म करो, ढोकला खा। असली असली में कुछ खाया ही नहीं, सोच रहा था इतनी सुबह। चार पराठे, बनाना शेक, दाल की कटोरी, चावल, और ज्यादा नहीं खाया। ये तो खुराक ही थी भाई। नहीं नहीं नहीं, वैसे कह रहा सुबह तक कुछ खाया नहीं, दोस्तों बता दो। डोला दिखा एक बार ऐसे करके, शर्ट फट जाएगी।
जाओ केक खाओ, आ जाओ कोको। लो भाई ये केक तो खा सकते हो आप। अरे पूरा खा लो, शुक्र करो खाने को मिल रहा है। नहीं तो मीठा बना ना पापा को बिल्कुल। आमिर ला, आमिर तो केक खाएगा नहीं। ले आमिर शुरू कर, इसी में से इसी में से खाएगा ये। काट दूं आपको मतलब ये की काट दूं आपके लिए। ले मेरी गर्दन, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था भाई साहब। ये क्या है? पार्टी के ऊपर लेकर आए थे, फोड़ना ही भूल गए। अब फोड़ देंगे पापा, बीच में ऐसे खड़े हो जाओ बस, आपके ऊपर ऐसे कर देंगे। पापा कह रहे मैं खड़ा कर दूं जो करना है। पापा हैरान हो, हैरान हो ना। अच्छा सरप्राइज पापा, जैसे यूट्यूब पे जान के करना पड़ता है ना हमें, कभी कभार सरप्राइज कर दिया ऐसा कर दिया, तो आप जान के हैरान कैसे हो गए। आप ऐसे हो जाओ, ओ पार्टी पॉपर भी लाए थे, ऐसे करना करके दिखाओ एक बार एक्टिंग कैसी। हां पार्टी पॉपर भी लाए थे, हां आगे भी तो बोलो। ये तो आधा डल हो गया। 1 2 3 ऊपर का फोड़ते हैं ये भाई, तभी ऐसे करो सीधा मुंह पे जाएगा इसके अंदर। काम है भाई, यहाँ रहता है लोहे का गोली अंदर, अगर पापा के मुंह पे लग जाता तो नहीं। हाँ भाई साहब, अबे मैं पागल हो, ऐसे मुंह पे मारता है ऐसे थोड़ी, मैं इसको गालियां देता हूँ। है इसे बुद्धि कम है थोड़ी, ये पार्टी ऊपर ऐसे करते कि मुंह पे मारेगा। मैं ऐसे देख रहा था। अरे देख इसकी गलती नहीं है, इसको कुछ हम कुछ कह ही नहीं सकते। कोई बात नहीं सब माफ है, लेकिन इसमें से ज्यादा गंद नहीं निकला यार। पापा हमारे लिए समोसे ले आए और हमें पता ही नहीं था, ढोकला वोकला हम ले आए। आगे मम्मा, आगे मम्मा बुला रही, कुछ काम है। तू क्या कर रहा है पीछे? चार समोसे रख के बैठा हूँ, प्लेट छुपा रहा है, अपने आप को देख रहा है। कौन है ये? देखो हाई फाइव करो, हाई फाइव। हमने समोसे खाए, कोको खा रहा दही चावल। आओ आपको दिखाएं एक बहुत ही बेहतरीन चीज। ये है क्या? ये है क्या? ये लाइट है। जल क्यों नहीं रही? ओ ये चार्ज कैसे होती है? धूप, सोलर है, धूप में। क्या बात कर रहे हो, फ्लैश ऑफ करके दिखाते हो वरना फोन की। अब देखो क्या सही लग रही है यार, ये क्या बढ़िया लग रही है ना। कोको भी आया देखने, कोको कैसी लग रही है? वो देख ही नहीं रहा है। ओए ये देखो ना, मेरी बहन कुछ ना कुछ मंगाती रहती है। देखो बालकनी के लिए लाइट मंगाई है, बाहर को लेगी अंदर को लेगी? अच्छा एक चीज़ तो मैंने अब नोटिस करी है, कलर चेंज हो रहा है भाई हर बॉल का अपने आप। कोको पुरानी यादें ताजा हुई है, पैर के आसपास ही है, बहन के आसपास ही घूम रहा है ये। और पहले ना ये इस बेड के नीचे घुस जाता था। देखो कितनी सी जगह, इतनी सी जगह अभी छोटा होगा, अब नहीं जा पाएगा। ओए कोशिश कर रहा है, हां ट्राई कर रहा है जाने की, अब नहीं जा पाएगा। कोको कोको और आमिर का आगे दिखाऊंगा आपको एक बार। ओए कोको जा रहा है, फोन पे बात कर रहा था, जैसे ही भाई ने फोन रख दिया। क्यों? कुछ नहीं, क्यों क्या मुझे क्या पता, बचा ही गया था फिर चिल्लाएगा। वाह ये इसने आमिर ने सीख गया, ये भी एक बार दोबारा निकल के दिखाइयो मस्ती। आप निकाली, बाय कोको, चल बाय बाय कोको, बाय कोको, जो आगे बाय 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 कोको। चलो मेरी मेरी रस्ती में जा रहा हूँ, बाय कोको, बाय, चलो बाय। चल छोड़ दे हाँ छोड़ दे, रस्सी लेकर आगा अपनी, मैं भी हूँ। तो यहाँ पर आए थे किसी काम से और यहाँ अपना भाई मिला और मेरे को याद है आज मंगलवार है। थैंक यू भाई बूंदी के प्रसाद के लिए, थैंक यू। तो घर से निकल गए हैं, एक छोटा सा काम था वो काम निपटा लिया, पापा से मिलते हुए निकल जाएंगे। पापा के लिए हम बुके भी लेकर आए। कहाँ है आमिर, बुके संभाला हुआ? नहीं संभाला हुआ अभी, पीछे ये देखो भाई साहब
कहाँ है? रखा था, बीच में रखा था, अच्छे से रखा हुआ था। अच्छा रखा हुआ ना, संभाल के। ठीक है कोको, इधर आओ तुम। तुम इधर आओ पहले, इधर। हाँ ये देखो, पापा के लिए बुके भी लेकर आए, और इसको देखो कहाँ घुस रहा है यार ये। कोको खींचना जरा इसको, वापस आओ इधर, चलो 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 चलो, इधर बैठो। मेरी तो बात ही बंद कर दी है इसने, साहिबा की बात ही मानता है। कैसे हो? ठीक हो? गाँव गए हुए थे? अच्छा आज ही आए हो? कमजोर हो क्या? आयो वेट कम हुआ ना, लग रहा हो कमजोर कमजोर हो गए हो। अरे 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 अरे, टमाटर दे दो। टमाटर कितने चाहिए? 2 किलो। और भी ले लो सब्जी, जोन से भी लेनी है, अपनी दुकान है ये। हाँ जी। ये लो लाओ दे। जन्मदिन मुबारक। ये लो भाई, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक। तू घर पे आ गया क्या? चल यार। अरे ये हमें दिया था कितने, 4-5 दिन पहले पड़ा हुआ था, हमने आपको दे दिया। 4-5 दिन? बहुत दिन तो पहले का पड़ा हुआ है ये। ये लो ना। अरे ले ले यार, पापा लो यार। ले ब्रम। ओए ऐसे नहीं होता। ओ हमने देखो 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 पापा को दिया, पापा ने वहां रख दिया। अब हमने आपको बता दिया ना, हम आपको मिला था तब आपने वहां रख दिया। अगर हम बोलते ना खरीद के लाए, फिर आप घर देते भाई, याद वैसे फेंक दूंगा। इसको देखो, कोको को देखना, रख लो इसको, रख लो। आपकी दुकान देखो, सामान ना ले जाए। कोई नहीं, क्या ही ले जाएगा। पापा कहते हैं कोई दमान चोरी, सामान चोरी करके भी जा रहा ना, किस्मत थोड़ी ले जाएगा। ले जाए कितना चोरी कर लेगा। क्यों भाई? है ना, टमाटर दे दो, सब्जी लिए पैसे दे देना। ठीक है ना, खाता चलता भाई यहाँ पर, मजाक थोड़ी है। खीरे खाया था, एक खीरा खाया था। चलो कोको आ जा अंदर, चलो 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 चलो, आओ आओ अंदर, आओ अंदर आओ। चलो चलो चलो, मेरे बिल्कुल ध्यान से उतर गया और मैं आ गया नारायणा वाली जगह से, और हम फंस गए जाम में। और ये ऑटो भी हमसे इतना ऊंचा ना, सामने नजर ही नहीं आ रहा। ऑटो नहीं है ये, छोटा आती है, दूर तक जाम मेरे को दिख रहा है। कोको को सोने की तैयारी है, घर से खाना खा के आया, सो जा। टाइम लगेगा अभी 1.5 घंटा घर पहुँचने में ना, टाइम एग्जैक्ट 9:45। और ये मैडम आज पहली बार मिली मेरी मम्मी से। नहीं, दूसरी बार। पहली बार कब मिली थी? जब बाइक की डिलीवरी के लिए जा रहे थे, कहीं जा रहे थे? मिनी वो तो 10 मिनट के लिए मिली थी, खाली 10 मिनट के लिए घर में रुके थे। आज से 4-5 घंटे रुके, कैसा लगा? बढ़िया, अच्छा है। मजा आया? हाँ। वाह, चाय भी बना के पिलाई इसने। वैसे तो मम्मी कह रही थी बेकार है मेरे को साइड में आके, लेकिन इसके सामने कह दिया चल बढ़िया। उन्होंने पी भी नहीं है। एक्चुअली मम्मी ने चाय पीती नहीं है, तो हमारे लिए बनाई थी। मैंने पी, आमिर ने पी और समीरन ने पी। हमें थोड़ी थोड़ी पीनी थी, नींद आ रही थी, इतना कुछ खा लिया था, तो 3-4 चाय बनाई अपने लिए, खुद के लिए, और पी पा के बातें बातें करके ढेर सारा वापसी आ गए। मज़ा आया नहीं आया? मज़ा अच्छी नेचर के हूँ। हाँ। मेरे जैसे ही है ना? आपके जैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। मेरे जैसा है तो फिर तो अच्छे तो ऑटोमेटिक अपने आप ही होंगे ना, है कि नहीं? आप बहुत टांग खींचते हो। मैं वो नहीं खींचते। अरे जिन जिनकी मैंने टांग खींची है ना, आमिर की कितनी टांग खींचता हूँ, हाइट लंबी हो गई ना। नहीं, तुम्हारी खींचते नहीं ना टांग, इसलिए तो नाटी रह गई हो। वकील की, उसकी टांगें लंबी हो जाएंगी। वकील की नहीं, वकील की हो ही नहीं सकती, वकील की हो ही नहीं सकती। वो वकील है ना, वो वकील है, इसलिए वकील देख तेरे को कितना याद कर रहा है, इसने तेरे वो पैसे लुटा दिए जो लिए थे। एक्चुअली हुआ क्या था ना, इसने मजाक में ना वकील से 5,000 रुपए ले लिए थे, और उसको महीना हो गया, वो रोज फोन करता है भाई 5,000 के 6,000 हो गए, आज कह रहा 11,000 हो गए, भाई 11,000 दे दे मेरे। इसने पता क्या किया, 2,000 ट्रांसफर करे, कह रहा इतना ही दूंगा और दूंगा ही नहीं, आगे से मैसेज और कर दिया। उसका फोन आई जा रहा, भाई बाकी 3,000 बाकी थी, दिए नहीं दिए अभी तक। उसने बोला भाई गलती से 2 लाख आ गए। अच्छा उन्हें 0 कब गिन ली थी क्या? दोबारा उसको भेजे नहीं भेजे बाकी 3? अभी अभी करने दो ना, 2-3 मैसेज अभी लेगा ये, 2-3 दिन मजे लेगा उसके बाद। वकील क्या बात है तेनू? ये देखो भाई, नारायणा का पुल क्यों बंद था? 7 वाला पुल पूरा बंद है, और एक ही पुल से गाड़ियां आ रही है, एक से ही जा रही है, तभी जाम लगा हुआ तगड़ा। वो वाला पुल पूरा रेनोवेट हो रहा है, उस साइड वाला ना। कराटे मार रही थी ऐसे खर करके, खराटे तो मैंने मारे ही नहीं, इतनी तेज खराटा मारा, सामने का शीशा टूट गया गाड़ी का, मारे ना। ये देखो वो दिख रहा है, तो मैं बैठी थी टूटा। ये भी सो रहा गहरी नींद में। चलो हमारी रात की लास्ट ड्यूटी, कोको को राउंड कटाएंगे अभी। थोड़ा कोको समझदार हो गया, वो देखो सामने डॉगी बैठा है ना, कोई रिएक्शन नहीं है, अपना आराम से यहाँ घूम रहा है। चला जा, ओ ओ शाकाहारी डॉगी, घास खाता भाई ये और कुछ नहीं खाता। तो भाई साधना ने 2.5 करोड़ साल बाद ये फाइनली बना ही दिया है। साधना इसमें क्या मतलब, प्लेट रख के हम रोटी खाएंगे क्या करेंगे? नहीं फिर
करी कुछ भी कर लो, मैंने बना दिया। अच्छा ये पैटी वैटी खा लियो, पापा के जन्मदिन की है ये पैटी। हाँ तो भाई सीन ऐसा है, पापा का जन्मदिन बहुत बढ़िया तरीके से मना दिया घर पे, टाइम स्पेंड करा, मम्मी को भी अच्छा लगा, पापा को भी अच्छा लगा, पहली बार साहिबा गई थी वो भी अच्छा लगा। बाकी अभी मैं YouTube स्क्रॉल कर रहा था ना, तो जब भी अपना नाम सर्च करो बहुत सारी वीडियो आती है, और बहुत सारे बंदों ने मेल भी डाल रखी थी कि भाई कई बंदों ने ऐसी वीडियो डाली है, कई बंदों ने नहीं मतलब किसी बंदे ने ऐसी वीडियो डाली कि हॉस्पिटल के बिल की बात हो रही थी कहीं पर, कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो हॉस्पिटल का बिल उन्होंने पे किया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा यार, देखो इस बात को ना लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि अपने पास तो सारे प्रूफ हैं कि जो मेरा हॉस्पिटल में खर्चा हुआ था ना, मतलब अच्छे लेवल पे हुआ था, और तुमने क्या ही पे कर दिया, और मतलब कहाँ पे कहाँ पे कर दिया, किसको कर दिया, किसको कर दिया, कहाँ पे कर दिया, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ हैं। अगर जो बंदा बोल रहा है उसको बोलना कमेंट सेक्शन में, मेल डालो जो मर्जी डालो कि भाई कहीं प्रूफ है ना तो वो प्रूफ दिखा मेल उस पर अपनी वीडियो में कि कहाँ पे कर दिया। और अगर उसी बंदे की कुछ रसीद वगैरह, हाँ कोई रसीद तो मिली होगी, बिल्कुल हॉस्पिटल में अगर तूने बिल दिया है रसीद तो मिली होगी कि हाँ भाई तूने हॉस्पिटल में बिल दे दिया। और चलो मैं इस बात की भी एक बात करता हूँ, देखो हम कोई भी ब्रांड का काम उठाते हैं ना, मतलब मैं सीधी बात करता हूँ और कोई घुमा फिरा के नहीं, हम कोई भी ब्रांड का काम उठाते हैं, जैसे सपोज कोई मेरे पास ब्रांड आया, इसने दिलाया, साहिबा ने दिलाया, आमिर ने दिलाया, एक्स वाई जेड किसी ने भी, बहुत सारी एजेंसी है, हाँ मार्केट में कोई भी एजेंसी है, एजेंसी हमें काम दिलाती है ना, तो जैसे उस ब्रांड का हम ले रहे 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% जो होता ना वो उस एजेंसी को जाता नहीं, है एजेंसी बोल के है, एजेंसी कोई भी एजेंसी, कोई एजेंसी 20% लेता है, कोई 10, हाँ 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 हा, बिल्कुल 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 ऐसा, मतलब हर एजेंसी अलग अलग लेता है, कोई 20% 20 से ज्यादा नहीं होता, कोई 20, कोई 15, कोई 10। तो एक टाइम था जब समीरन ना किसी एजेंसी के साथ काम करता था, ये करीबन होगी 2-2.5 साल पहले की बात, हाँ 2-2.5 साल पुरानी बात, तो समीरन ने उस बंदे को काम दिलाया था, तो ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ, हाँ मतलब बहुतों को काम दिलवाया था, बहुतों को दिलवाया था लेकिन उसको भी दिलवाया था, तो जो उसका समीरन का 10% बनता था वो भाई उस समय हम लोग 20% पे काम करते थे, वो बंदा भी 20% पे काम करता था, ठीक है ठीक है, लेकिन हमारा 15% में हुआ डिसाइड। अच्छा तुम्हारा 15% तेरे को देगा, ठीक है, फिर उसके बाद बोला कि 15 नहीं इस बार 10% ले लो, अगली बार देख लेंगे, ठीक है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, 10 तो दो, 10% दे दो, तो 10% में फिक्स हो गया था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बाद में काम करेंगे, इशू नहीं है। उसके बाद काम वाम हो गया, सारा पेमेंट चला गया, जब 10% देने की बारी आई, हाँ मेन चीज। और ये जो हम बात कर रहे हैं ना, इसके अपने पास व्हाट्सएप में मतलब हर चीज के सारे प्रूफ हैं, मतलब मेरी आदत नहीं है मैं ऐसी कोई मुंह से बात बोलूं, कल को सामने वाला बोलेगा भाई इसका प्रूफ दिखा, जब बोलोगे ना तब का तब दिखाऊंगा भाई, एक कोको ये तो भाई देखो 100 बातों की एकदम, ये हम बिल्कुल छोटी सी बात बता रहे हैं, अपने पास ऐसी ऐसी बातें ना, मैं व्लॉग में नहीं, मैं कभी चाहते नहीं किसी के बारे में कुछ उल्टा बोलना, हाँ। ना ही चाहते हम किसी के साथ जो हो गया वो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल, अपना भाई समझ के, अपना बंधु समझ, मतलब ये बंदा ऐसा है ना, ये हो गया, और असम में बहुत सारे बंदे हो गए, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बंदे ऐसे, असम के बंदे ऐसे हैं, गुवाहाटी के बंदे ऐसे हैं कि ये हेल्प करते हैं ना तो भाई दिल निकाल के बाहर रख देंगे भाई, कि भाई तेरी हेल्प करनी है, और मैंने देखा इसको, हमारे वहाँ के जितने भी बंदे हैं, जितने भी लोग होंगे, सबको ऐसी सबको ये रिसीज रिलेट करेंगे, किसी के लिए कुछ भी करो तो कुछ सोच के मत करो, हाँ। ये हम लोग बचपन से हमको सिखाया गया और इसी चीज को हम मानते हैं, और भाई मैं इनकी तारीफ में एक चीज कहना चाहूंगा, मैं जब भी असम जाता हूँ ना, गुवाहाटी जाता हूँ, मेरा होटल का 1 रुपया नहीं लगता, और ये मैं खुलेआम बोलना चाहता हूँ कि भाई नहीं लगता, जो चीज में हेल्प करते हैं, हाँ प्यार है आपके लिए, हमारे लिए प्यार है, जो हमसे बनता है वो हम करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जितना हमसे बनता है उतना हम लोग करते हैं, और ऐसे ही उसके बाद भी कुछ लोग होते हैं जो हमारे बंदों से ही हमको गाली खिलवाते हैं, मेरे को भी याद है मेरा कमेंट सेक्शन भरा हुआ था गाली से, और जिस ऐसा रीजन के लिए जिस जो गलती मेरा था भी नहीं। इसकी कोई गलती कोई नहीं थी, नहीं था, कोई बंदा शाम गया उसने वहां मीटअप करा, मतलब बहुत चीज हुई, छोड़ो लेकिन उस बंदे ने भाई ऐसा करा ना इनके साथ, और सारी चीजें यूट्यूब पे प्रूफ पड़ी हुई है, हाँ, और मैंने एक लफ्ज नहीं बोला उस बंदे के बारे में कि आपने बंदे को उसके बारे में किसी के बारे में खिलाफ नहीं करना है भाई, किसी को कुछ खराब लगा, मतलब देखो दिल भरा नहीं है तो क्या अपना, मैं तो बताता हूँ, हमने छोड़ दिया, भूल गए हम लोग, लाइफ में ना बहुत सारी चीजें नेगेटिव होती है, बहुत सारे बंदे हमारे साथ उल्टा सीधा चीजें करते हैं, लेकिन हम बोलते कोई बात नहीं यार, लिखा होगा हो गया, लेकिन उस बंदे ने इतना सारा उल्टा सीधा इसके साथ किया, और भी बहुत सारे बंदे हैं, लेकिन इसने एक लफ्ज नहीं निकाला, लेकिन भाई टाइम आएगा तो हम प्रूफ दिखाएंगे, जो बंदा किसी जगह पे जाके होटल में बिल के चक्कर में झगड़ा करके आया है, झगड़ा झगड़ा करके आया, वो बंदा आपके हॉस्पिटल का बिल चुकाएगा, और बिल कितना था होटल का, बिल कितना था एक बार वो बता दे, और मैं अगर अपने हॉस्पिटल का बिल बता दूंगा ना भाई,
उतने में कितनी गाड़ी कितनी बाइकें आ जाएंगी ना, मतलब छोड़ो मैं अगर ये चीजें बताऊंगा ना आप बोलोगे भाई की ऐसा बता रहा है वैसा बता रहा है, लेकिन बस मैं इतना कहना चाहता हूँ जब काम पर आना सम्मेलन मैंने तुमको फॉलो कर दिया, हाँ खत्म हो गया, तुम कौन हो, Who are you? वो बंदे ऐसे है ना कि बोलते हैं कि भाई हम इसको फॉलो करते हैं, हम इसको देख के आगे बढ़े, उसको गुरु मानते हैं, आज वो अपने किसी गुरु को फॉलो नहीं करता भाई। तुम वो ऐसा एक म्यूजिक सेंटी ट्यून हम बैकग्राउंड में चलाएंगे अभी, हम वो काम नहीं करेंगे। हर बैकग्राउंड में भाई, बैकग्राउंड में म्यूजिक तुम कुछ भी हो, सामने से मुंह से कुछ भी बोल रहा है, वो बंदे के अंदर क्या है, वो क्या क्या कर रहा है उसको तो पता है, आप उसको नहीं पता, उसको बताया भाई, जिसको जो समझना था वो समझ लिया। हमारे हर व्लॉग में ना कोई पीछे सेंटी सॉन्ग नहीं चल रहा होता, क्योंकि हम गाना किसी के इमोशन के साथ नहीं खेलते, नहीं नहीं खेलना आता है, नेचुरल है वो, नेचुरल है। बाकी ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहूंगा यार कि YouTube पे इतना मत बोलो, हाँ। कि हमें आगे से रिप्लाई करना है तो पर्सनली बोल लो, कुछ खराब लगा कुछ दिक्कत है ना भाई, पर्सनली सबके पास एक दूसरे के नंबर है, हाँ। फोन करो, बात करो, चीजें क्लियर करो, और हम किसी को कभी भी पोक नहीं करते, हाँ। हम किसी को कभी पोक नहीं करते, हम नॉर्मल बात करते हैं। मेरे को लग रहा है शायद उनको ये बात बुरी लगी होगी जिसने भी ये चीज बोली कि 6 महीने के लिए हम कार रेंट पे लाते हैं, ये लाते हैं भाई, भाई बहुत सारे यूट्यूबर ये चीज कर रहे हैं, बहुत सारे दुनिया कर रही है, आप नहीं कर रहे तो इट्स ओके, आप अपने बॉडी पे, आपको बुरा लग रहा है तो इसका मतलब आप कर रहे हो, ये बात है, नहीं तो दुनिया कर रही है भाई, बहुत सारे यूट्यूबर है जो 6 महीने के लिए चीज रेंट पे लाते हो, ठीक है ना यार, हम यूट्यूब में है ना, तो यूट्यूब में हर एक बंदा क्या कर रहा है, यूट्यूब में क्या चल रहा है क्या नहीं, वो सिर्फ हम देखते हैं क्योंकि हमारा काम है ना, हाँ काम है, और उसी के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, एक दो बातें कभी मैं बोल लेते, बिल्कुल, जैसे मेरे पापा किराने की दुकान है तो उनको पता मोहल्ले में कितने किराने की दुकान है, कौन कितना कमा रहा है, कौन सा ग्राहक किसके पास जा रहा है, हम यूट्यूब में तो हमें पता है कौन बंदा क्या कर रहा है, हम सारी नजर रखते हैं, तो बहुत सारे यूट्यूबर लाते हैं भाई रेंट पे चीजें, तो हम व्लॉग में बोलते हैं कि भाई 6 महीने के लिए रेंट पे लाए, बेच दी, और सही भी है, उनसे व्यूज आ रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, उतने रेट पे वापसी बिक जा रही है, सही भी है, लेकिन और रेंट पे आने में कम खर्चा लगता है, हाँ रेंट पे बहुत खर्चा लगता भाई, है अगर कोई चीज रेंट पे ला रहे हो तो उसके लिए ये नेगेटिव चीजें थोड़ी है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है, अफोर्ड कर पा रहा है, बस हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे, लेकिन हम मुफ्त है इसलिए हम सीधा बोलते हैं कि भाई 6 महीने के लिए रेंट पे लाए हैं, बेच दी, और हम खुद भी लेकर आएंगे ना, मैं खुद बोलूंगा भाई 6 महीने के लिए रेंट पे लाए, व्यूज खाऊंगा, बेच दूंगा, तो इसमें कोई बुरा मारने वाली बात नहीं है ना, हम किसी को पोक कर रहे, बाकी ठीक है, ये जो हॉस्पिटल वाली बात बोली ना भाई, ये सुन के बहुत ज्यादा दिल दुखा, ये मेरे को बहुत चुभी है, मैं सच में चाहता हूं कि भाई अगर तेरे में दम है ना, जो भी बोल रहा है तेरे में दम है तो इस चीज का प्रूफ दिखा, और जब मैंने प्रूफ दिखाने पे आया ना, तो अगर सोशल मीडिया में नहीं दिखाना, पर्सनली दिखा दो, पर्सनली भेज दे भाई, हम अपने वीडियो में खुद बोलेंगे हाँ भाई इस बंदे ने ऐसे ऐसे हेल्प किया, हाँ खुद बोलेंगे अपने वीडियो में, अगर कुछ पर्सनली प्रूफ दिखाओगे, जब मैं प्रूफ दिखाने पे आया ना, तो भाई हम तो ऐसा दिखाना चाहते नहीं है, नहीं नहीं मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहता, हॉस्पिटल में मेरा इतना खर्चा हुआ था ना, चलो ठीक है, बाकी इस व्लॉग के इंपैक्ट करते हैं, बुरे वक्त को भूल जाना ही अच्छा लगता है, हाँ। और बुरे वक्त में जिसने साथ दिया ना, मैं भाई मुंह पे बोलता हूँ कि भाई मेरे साथ साहिबा खड़ी थी, ये खड़ा था, जीजू खड़े थे, MSK आया, सत्य आया, गुरुजी आए, जितने बंदे आए ना भाई, जितने बंदे आए, हाँ जितने बंदे आए, बिल्कुल हर्ष पावा आया, लेकिन पैसे की मदद मतलब सबने आए, सब इमोशनली अटैच थे, फिजिकली मेरे साथ थे, लेकिन पैसा मैंने किसी एक बंदे का 1 रुपया नहीं लगने दिया, आज मुंह पे बोल रहा हूँ, जितना लगा मेरा खुद का लगा, मैंने अपनी कैरेवैन बेच दी, बहुत कुछ किया, सारा 1-1 रुपया मेरा लगा, लेकिन सामने से अगर कोई बंदा बोल देना कि भाई हॉस्पिटल में पैसे की मदद करी थी, भाई वो तो ना गुस्सा चढ़ता ना कि भाई मतलब मैंने वो चीज देखी ना भाई, दिमाग पे ऐसा होगा कि भाई ऐसा कैसे कोई बंदा बोल सकता है, चलो ठीक है, बाकी गुड नाइट, गुड नाइट है, अगले ऐसा ऐसा दिन ना आए कि हमें वो प्रूफ दिखाना पड़े, हाँ। और आएगा तो दिखाएंगे, आएंगे तो फिर हम तो कहा मतलब भाई दिखाने अच्छा नहीं लगता, दिखाने पीछे थोड़ी आतेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर किसी को गुरु मान रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करते रहो, करते रहो, आगे बढ़ो यार, हमें नहीं फर्क पड़ता भाई, तुम्हारे 10 मिलियन हो, 50 मिलियन हो, हम अपना कमा रहे, अपना खा रहे, बंदे हमें देख रहे हैं, हम अपना खुश है भाई अपनी लाइफ में, और ना हम किसी को कभी पोक करते हैं, आप भी आगे बढ़ो, हम भी आगे बढ़े, लेकिन ये चीज जो तुमने बोल दी गलत बोल दी, और बाकी कभी लगे पोक कर रहे हो तो फिर फोन करके पूछ लो, हाँ, जब लगे पोक, नंबर नहीं है, और भाई अगर तुम्हें कुछ बोलना ना, नाम लेके बोलो भाई, अपने व्लॉग में बोलना ना, यूट्यूब में नाम लेके बोलो कि भाई इस बंदे ने मेरे को पोक करा, इसको मैंने पैसे दिए, नाम लेके बोलो अगर तुम्हारे पे दम है तो, चलो बाय बाय भाई, सुनो 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 सुनो, एक लास्ट चीज जो बताना भूल गए थे, ये आप अपने गुरु को फॉलो करते हो, मेरे गुरु पता कौन है, कौन, निखिल JS, जितनी इज्जत आज से 5 साल पहले थी उतनी इज्जत आज भी है, फॉलो करते हो, फॉलो 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 हर जगह, क्योंकि आप सोशल मीडिया में हो, मेन चीज तो सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के, सोशल मीडिया भी आप उसको गुरु मानते हो, बिल्कुल गुरु मानता हूँ, चलो गुरु मानते, चलो घुमा फिरा के बात नहीं करते,
एक बंदे ने, मतलब एक बंदे क्या जिसकी बात कर रहे हैं हम, कि भाई मैं निखिल को अपना गुरु मानता हूँ, इसको मानता हूँ उसको मानता हूँ। भाई जिसको हम गुरु मानते हैं ना उसको हम हमेशा फॉलो करते हैं। भाई तुम्हारे आज सब्सक्राइबर आज फॉलोअर उन लोगों से ज़्यादा हो गए, मेरे से ज़्यादा हो गए, तो तुमने अपने जो भी गुरु हैं उनको अनफॉलो कर दिया ना। निखिल को फॉलो करता है ना, जेएस को फॉलो करता है ना, मेरे को करता है ना, किसी को करता है, मतलब किसी को भी फॉलो नहीं करता। ये एक ईगो होती है, ठीक है। आज भी जेएस पाजी मिलते हैं ना भाई, दिल से सल्यूट है उनको। निखिल मिलता है ना, दिल से सल्यूट है। निखिल भाई को मैं कितनी बार कहता हूँ भाई साथ में राइड करेंगे, मतलब एक वो होता है ना कि जो गुरु है वो गुरु ही रहता है। जो एक टीचर होता है ना स्कूल में और जो उसका स्टूडेंट होता है, वो कोई लॉयर बन जाता है, कोई पुलिस वाला बन जाता है, कोई जज बन जाता है, लेकिन स्कूल का टीचर टीचर ही रहता है। भाई गुरु माना है तो शिष्य बन के सीखो सीखो, लेकिन ये थोड़ी कि भाई आज के टाइम पे तुम ऊपर उड़ गए तो अबे कौन गुरु, मैं ही हूँ। लोगों को दिखाने के लिए किसी को गुरु मान के मुंह से मत बोलो यूट्यूब पे कि भाई निखिल को हम गुरु मानते थे, आज भी गुरु मानते हैं। भाई अकाउंट खोल के देख लो उसका, निखिल को फॉलो करता है क्या, काय का गुरु मानता है, निखिल छोड़ो जेएस को फॉलो करता है क्या। मतलब मैं अपनी बात तो कर ही नहीं रहा, मेरे को तो गुरु मानो ही मत भाई की, ठीक है। बस ये चीज बोलना भूल गया था तो मेरे को लगा बोल देनी चाहिए एक मन में ना यार। मेरे को वैसे मेरे को कभी भी गुस्सा नहीं आता, लेकिन भाई हॉस्पिटल वाली बात पे जिस चीज से मैं निकला हूँ ना और इमोशनली निकला हूँ कि उस बारे में सोचता हूँ ना आज भी आंखों में बहुत बुरे दिन भाई, वो जो दर्द मैंने सहा है और इमोशनली फिजिकली मेंटली वो दर्द जो मैंने सहा है वो किसी को ना सहना पड़े, मतलब दुश्मन को भी नहीं चाहूंगा सहना पड़े। उस बारे में तुम बोलोगे तो मैं बोलूंगा भाई, खुलेआम बोलूंगा, और अगर दोबारा बोलोगे तो नाम लेके बोलूंगा, मेरे को कोई डर नहीं है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, सो जाओ। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।